धनबाद पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा। मेडिकल स्टाफ और परिजनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल, दो की स्थिति गंभीर। बता दें कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मेडिकल स्टाफ और मृतक के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दो लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि एक्सीडेंट में घायल बोडरागढ़ का रहने वाला युवक भर्ती था, जिसकी मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीज की स्थिति को नहीं बताने का भी आरोप लगा है। वहीं पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के डॉक्टर निर्मल डोरिया ने कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर थी, जिसमें इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजन मेडिकल स्टाफ के साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट करने लगे और कहा कि मामले को आईएमए और ऊपर तक ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो अस्पताल को भी बंद कर देंगे। मारपीट का ऐसा कि एक लड़का बोर्डिंग से भर्ती है, उसको हेड इंजरी हुआ था, उसको न्यूरो सर्जन देख रहे थे, सारा रिस्क बताया हुआ था और सडनली आज जो है क्रैश किया। उसके बाद जो है ऊपर से आईसीयू तो समझ के आ गया सब, फिर नीचे आकर के सब जो है गाली गलौज मारपीट, जितने भी नर्सेज हैं उसको मैन हैंडल करना, चेन छीनना और ये बांस बांस लेकर के मारपीट करना, हेलमेट से 8-10 हेलमेट से मारना, सारे लोग 8-10 मेरा स्टाफ इंजर्ड हो गया है। पुलिस को सर सूचना दिया गया, पुलिस को सूचना दिया गया, पुलिस अभी आई हुई है और हम इसमें न्याय चाहते हैं, अदरवाइज हम अस्पताल बंद कर देंगे। आईएमए वगैरह से बात हुई भी सकते हैं? आईएमए से बात हो रही है, वो लोग आ रहे हैं, हम लोग डिसीजन लेंगे और बिल्कुल जो है मास लेवल पे इसका एक्शन लेंगे। हाँ बोलिए, क्या बात बताइए सर। जो जिसका मौत हुआ है वो मेरा अपना सगा भाई। अच्छा, दो दिन परसों शाम को इसको ला के एडमिट किए थे। अच्छा, तो डॉक्टर सीटी स्कैन स्कैन सब हुआ, सब बोला कि ब्रेन में एयर चला गया, उसके उसको दवा से सही हो जाए। तो फिर हम लोग ठीक है, दवा से सही हो जाए तो आईसीयू में एडमिट किए हम लोग। आईसीयू में एडमिट करने से उसके बाद ये लोग दवा पे दवा मंगवा रहा, 10-10 हज़ार का एक बार में दवा मंगवा रहा। हम लोग दे रहे भाई, सही हो जाएगा भाई, बोला दवा से सही हो जाएगा, सही दे रहे। फिर आज सुबह देखे तो हार्ट बीट उट बीट सब नॉर्मल चल रहा है। फिर हम घर गए, मम्मी पापा यहाँ पे थे, तो पापा बोले कि 20 हज़ार रुपया ये लोग जमा मांग रहे हैं। तो हम बोले 20 हज़ार किस चीज़ का जमा मांग रहा है? तो बोल रहा है बेड का चार्ज मांग रहा। तो मैं बोला 2 दिन का बेड का पैसा मैं पहले जमा कर चुका है एडवांस, तो ये आज क्यों पैसा मांग रहा है? तो मैं आया जल्दी से, फिर गया आईसीयू में, तो डॉक्टर बोल रहा है कि इसको सीटी स्कैन कराने ले गए थे, उसके बाद लाने के बाद 5 मिनट बाद बोल रहा हार्ट बीट रुक, बोल रहा है सीपीआर रुपया दे के फिर चालू किया, फिर छोड़ दे रहा है बोल रहा। फिर उसके 1 घंटा बाद फिर डॉक्टर बोल रहा है कि खत्म। कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग बोरागढ़ कालीगढ़ बस्ती के रहने वाले। कब एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट परसों शाम को। तो आज क्या कुछ दौड़ तोड़ झड़प भी हुआ? हम लोग जवाब मांगे कि अचानक कैसे हुआ, आपको अगर नहीं होता तो पहले बताते, हम लोग रेफर कर देते, ले जाते दूसरा कहीं, तो आप लोग पहले क्यों नहीं बताए? तो उसी में डॉक्टर से बातचीत हो रहा था, तो एक डॉक्टर आज छोड़ दिया हम लोग के बंदे। अच्छा, हम लोग के बंदे लोग भी थोड़ा हाथापाई हुआ,
उसके बाद वो लोग पत्थर ईटा बांस उससे मारने लगा, गमला उमला फेंक के मारने लगा। अब मेरा पापा का खुद का जिसका बेटा मरा उसका सर फोड़ दिया डॉक्टर, अभी चलिए दिखाते हैं। फिर एक मेरा चचेरा भाई जिसको अभी लिया उसको बंद करके मारा, मृत्यु हो गया। क्या नाम है उनका? रोशन कुमार महतो। आप उनके कौन, क्या हुआ? अपना सगा भाई बड़ा भाई। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार महतो। कुमार महतो है। हाँ। मेरे भाई का 3 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था। मेरे भाई यहाँ पे डॉक्टर सब ने बोला था दवा से ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो दवा से लोग कोई कंफर्म नहीं कुछ हो रहा, बस आईसीयू में रखा हुआ था 3 दिन से। अच्छा। जब आज अचानक से हम लोग सुबह पहुँचे तो बोल रहा है कि आज नहीं बचेगा। ये बात लोग पहले बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था या कुछ भी करते? जब भाई का डेथ हो गया उसके बाद भाई जब फैमिली के लोग आए और हमारा थोड़ा हवल्ला हुआ तो उसमें टान को ले, आज क्या हुआ यहाँ पे? अभी जो हुआ है टान के लोग ले गया है। मारपीट भी हो रहा था, बंद करके मारा है। अच्छा। यहाँ का फोन मारा, यहाँ का स्टाफ डॉक्टर मारा, पत्थरबाजी भी हुआ, पत्थरबाजी वही है। क्या नाम है आपका? आपका भाई का क्या नाम था? जिनका मृत्यु होता है? रोशन कुमार महतो। जॉय विवाह भवन, हमारे यहाँ शादी पार्टी बर्थडे पार्टी सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम सस्ते कीमतों पर किया जाता है। हमारा पता है दादा मार्केट ए ब्लॉक भूली बस्ती नियर हाटकोक भट्टा। मोबाइल नंबर 8420230376 और व्हाट्सएप नंबर 9297811334। SBS पब्लिक स्कूल कोचिंग सेंटर CBSE एंड जैक बोर्ड नर्सरी टू फिफ्थ एंड सिक्स टू ट्वेल्थ। हरी अप, एडमिशन ओपन। Easy learning, fun activities, daycare provided and more. हमारा पता भूली बस्ती रोड पोस्ट भूली धनबाद। मोबाइल नंबर 9304885174 और 8340276100।